होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं मैं फोटोग्राफी क्लासेस स्टार्ट करूं, मैं लोगों को फोटोग्राफी के बारे में पढ़ाना शुरू करूं, समथिंग लाइक दिस एंड दिस। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ये सीरीज उन लोगों के लिए होगी जिनको फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस सीरीज़ के थ्रू, इस सीरीज़ को फॉलो करके वो स्टेप बाय स्टेप अपनी फोटोग्राफी की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ जा सकते हैं। ऑल्सो गाइज, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोज़ का ड्यूरेशन कम से कम रखें ताकि आप के टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इस सीरीज़ में हम बेसिक ऑफ फोटोग्राफी तो सीखेंगे ही, साथ में हम उन कॉमन कैमरा फीचर्स के बारे में सीखेंगे जो आज की डेट में हर तरह के कैमरे में अवेलेबल है। इनफैक्ट मोबाइल फोन्स में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो भी आप इस सीरीज से कुछ सीख सकते हैं और आप अपने फोटोग्राफी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ न्यू फोटोग्राफी लेसन एवरी संडे। इनफ ऑफ टॉकिंग गाइस, लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक। सो आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज फोटोग्राफी। आई थिंक इसको ड्रॉ करके दिखाना ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा, सो लेट्स डू दैट। गाइस, थैंक्स टू दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्यूटोरियल शुरू ही किया था कि लाइट चली गई है, सो आई गोना हैव टू वेट फॉर द लाइट। सॉरी गाइस, एक्चुअली जब मैंने सोचा कि मैं आज क्या टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो आई जस्ट रियलाइज कि उसमें कुछ ड्रॉ करने के लिए है ही नहीं। सो बेसिकली अगर हम वर्ड फोटोग्राफी को ब्रेक करें, सो दीज आर टू वर्ड्स, फोटो एंड ग्राफी। फोटो मीन्स लाइट, ग्राफी मीन्स ड्राइंग। सो ड्राइंग विद लाइट्स इज फोटोग्राफी एंड द टूल वी यूज टू ड्रॉ विद लाइट इज कॉल्ड कैमरा। पुराने ज़माने में जब कैमरा का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग जो आर्टिस्ट थे हमारे वो पेंसिल और ब्रशेस से कैनवास पे ड्रॉ करते थे। अभी भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इट जस्ट दैट कि वो पेंसिल और ब्रश की जगह अब हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं एंड वो कैनवास, ये सारा हमारा आसपास का एनवायरनमेंट या फिर हमारी सिटी या फिर ये दुनिया हमारा कैनवास है। इट्स वेरी डीप यार। जैसे अगर हम स्टेशनरी पे जाएं तो आज आप पाएंगे कि काफ़ी तरीके की पेंसिल्स, काफ़ी तरह के ब्रशेस स्टेशनरी पे अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर हम कैमरे को देखें तो बहुत तरीके के कैमरे भी मार्केट में अवेलेबल हैं। पॉइंट एंड शूट और ऑटोमेटिक कैमरास, DSLR कैमरास, कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरास एंड मोबाइल फ़ोन कैमरास। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे टूल्स हैं बट इनका एक ही मोटिव है और एक ही एंड फंक्शन है, वो है फ़ोटो खींचना। सो वॉट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर तरह का कैमरा आपको कितना कंट्रोल देता है अपने ऊपर फोटो लेते टाइम, तो उस लेवल ऑफ कंट्रोल की वजह से ये एक दूसरे से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पॉइंट एंड शूट कैमरा या फिर ऑटोमेटिक कैमरा यूज करते हैं तो उसमें आप बस अपने सब्जेक्ट की तरफ एम करते हैं और बटन दबाते हैं और फोटो खिंच जाती है, सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, देयर इज नो क्रिएटिव प्रोसेस गोइंग ऑन। वहीं पे अगर हम एक डिजिटल SLR या फिर DSLR की बात करें या फिर मिररलेस कैमरा की बात करें, वहाँ पे हमारे पास टोटल मैनुअल कंट्रोल होता है। फोटोग्राफी का हर एक वेरिएबल को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन के कैमरे की बात करें तो पहले मोबाइल फ़ोन के कैमरे ऑटोमेटिक कैटेगरी में आते थे, बट अब धीरे धीरे जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती आ रही है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन के कैमरों में भी बहुत सारा मैनुअल ऑप्शंस आ गए हैं, तो कुछ हद तक हम उनको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो थ्रू आउट दिस कोर्स विल लर्न अ लॉट अबाउट मोबाइल फोटोग्राफी, DSLR, द टर्म्स वी यूज ड्यूरिंग द फोटोग्राफी, लर्न एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
आज ज्यादा कुछ था नहीं सीखने के लिए, आज हमने बेसिकली सिर्फ टर्म फोटोग्राफी को एक्सप्लोर किया है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कैमरास जो मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में सीखा है। आई नो राइट नाउ इट साउंड्स बोरिंग, अभी इतना मजा नहीं आ रहा, बट आई कैन गारंटी यू एक दो क्लासेस के बाद आपको वो मजा आना शुरू हो जाएगा जब हम कैमरे के अंदर घुसना शुरू करेंगे, हम उनके दो फीचर्स फंक्शन अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक को सीखना शुरू करेंगे। तो इट्स गोना बी फन गाइस, सो होप यू एंजॉय इट, और आई विल ट्राई एंड अपलोड द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑन नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक्चुअली फोटो बनती कैसे है, यू नो वो जब हम कैमरे का शटर दबाते हैं या हम मोबाइल का बटन दबाते हैं फोटो लेने के लिए, तो वो हमारे कैमरे के अंदर होता क्या है एक्चुअली जो उस फोटो को बनाता है, वो मैकेनिक्स समझने की कोशिश करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, दीज थिंग्स विल हेल्प यू जब आप आगे जाएंगे, आप धीरे धीरे एडवांस लेवल में बढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है या जिनको फोटोग्राफी सीखने का शौक है, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड एंड रिलेटिव है जिन लोगों ने नया नया DSLR खरीदा है और अभी तक वो ऑटोमेटिक मोड से बाहर ही नहीं आ पाए हैं, तो प्लीज़ टेल देम टू यू नो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू लर्न अ लॉट अबाउट फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, आई कैन अश्योर यू दैट। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड TJ साइनिंग ऑफ, बाय।